राष्ट्र की महाभारत में प्रचार का बिगुल बजाने के लिए पीएम मोदी तैयार है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार के लिए बीजेपी बेकरार है। योगी 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 योगी। गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार के लिए पार्टी का पूरा प्लान तैयार है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को प्रचार में उतारने के लिए पार्टी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 8, योगी आदित्यनाथ 15, अमित शाह 20, नितिन गडकरी 40 और देवेंद्र फडणवीस 50 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर से झारखंड में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, जबकि दूसरे चरण की झारखंड में वोटिंग और महाराष्ट्र का चुनाव 20 नवंबर को होना है। महाराष्ट्र में 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार से पहले ही प्रचार का एजेंडा सेट हो चुका है। यूपी में अगस्त महीने में सीएम योगी ने बटोगे और कटोगे वाला जो बयान दिया था, वो बयान सियासी दहलीज पार करके महाराष्ट्र की गलियों में गूंज रहा है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ यही होता है कि महाराष्ट्र में जो भाजपा हम लोगों में वाद निर्माण करना चाहती है, अगर हम बट गए, समाज में हो, धर्म में हो, जाति में हो, तो हमारा खिस्सा तो कटने वाला है, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र को लूटेगा। इनकी पॉलिसी यही है, बटोगे तो कटोगे और फिर महाराष्ट्र को लूटेंगे, यही कहते आएंगे। पिछले दिनों मुंबई की सड़कों पर बटोगे और कटोगे वाले पोस्टर लगे थे। हालांकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस पर जवाब देने से बचते रहे। ये बीजेपी कह रही है पोस्टर भी लगे, मुंबई में भी पोस्टर लगे, मैंने नहीं देखे। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, मैंने देखा नहीं। शिखर सम्मेलन में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों तरफ के नेता जुटे। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, दोनों तरफ से जीत के दावे हुए। इनसे पूछ लें कि उद्धव ठाकरे की सरकार के समय की दो योजनाएं बता दें। ऐसी व्यवस्था हमने निश्चित की है और आप देखेंगी कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने के बाद फिर ईवीएम चिल्लाएंगे। ये महायुति सरकार जो है, इसको मैं महाझूठी सरकार कहता हूँ। 17 प्रोजेक्ट 8 लाख करोड़ के महाराष्ट्र मुंबई से बाहर जाते हैं, 5 लाख युवाओं की नौकरी को ये खा गए। दावों के साथ ही चुनाव जीतने के लिए तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। 6 नवंबर को राहुल गांधी भी पहली चुनावी सभा करने जा रहे हैं। उस दिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से साझा तौर पर गारंटी जारी करने का प्लान बनाया गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.